यूट्यूब तो व्यूज छोड़ो ट्रिलियन ट्रिलियन भी देखेंगे। चलो हाँ, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक आइसोमेरिज्म। क्या आइसोमेरिज्म? ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। बोलो ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो हम बोले वो बोलो। इंग्लिश में तो बोल ही सकते नहीं, ये बात बोलो कश्यप तुम। तो वो क्या दिखा रहे थे तुम उसको? डबल बॉन्ड समझ नहीं आया था वो बता रहे। अभी डिस्कशन थोड़ी करना है, तू अभी बोल बता। चलो हाँ, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। ओके, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, और वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो कंपाउंड्स होंगे, उनको बोलेंगे आइसोमर्स। ओके, जैसे कि ब्यूटेन आइसोमर, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, दैट्स इट। ओके, तो जैसे कि ब्यूटेन का फॉर्मूला जल्दी लिख के बताओ। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 दैट इज ब्यूटेन। सपोज ब्यूटेन है तो देखो 1, 2, 3, 4 अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो कोई डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। बन गया ब्यूटेन। अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि 1, 2, 3 एंड यहां पे 4। ओके, एंड नाउ H कार्बन 3, 1, 2, 3 हाइड्रोजन 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। अल्केन सबके सिंगल बॉन्ड सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 10 हाइड्रोजन, बट दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो ये फिनोमिनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और ये दोनों को बोलेंगे हम आइसोमर्स। वैसे देखो बहुत सारे आइसोमर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहां तो मैंने ऐसे ज्वाइन किया है, अब कोई ऐसा समझो कि पेंटेन दिया हुआ हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये पेंटेन है, यहां सब जगह एच लगा देना तो पेंटेन बन गया। अब उसका आइसोमर अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं 1, 2, 3, 4 और यहां पे 5। ओके, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्मूला दोनों का सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट, लेकिन ये कार्बन को मैंने सेकंड पे ज्वाइन किया है, मैं उसको ये साइड पे सेकंड, तो ये साइड पे भी सेकंड पे ज्वाइन कर सकता हूँ। वो सेम होगा क्योंकि दोनों के नंबर सेकंड ही आ रहे हैं। ओके, और अगर से और एक है, मतलब ये क्या लिया था हमने पेंटेन, तो हेक्सेन है सपोज ये एक और कार्बन। ओके, तो ये क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये मैंने तीसरे पे लिया है, यहां से गिनेंगे तो 1, 2 और 3 पे ये लिया है, सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये कार्बन को मैं यहां भी ले सकता हूं, तो वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। सो ऐसे कितने भी आइसोमर्स हम बना सकते हैं, कितने भी, मतलब ऐसा नहीं कि एक के मतलब 10 बना दिए, वो फिर सेम हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया क्या हुआ, फर्स्ट पे डालेंगे तो वो ही हो जाएगा। अभी फर्स्ट के नीचे डाल देता हूँ,
तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लाइन में ही जा रहा है ऐसे, ये जैसे लाइन में जा रहा था वैसे लाइन में जा रहा है। देखो एक दो तीन, ये एक दो तीन चार, एक दो एक दो एक दो तीन चार गाना आ जाएगा। ओके तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया नहीं आया ये चार है, चार का बनाना था, ये छोड़ो। अब सही है। अब देखो ये क्या था, एक दो तीन चार, इसका हमने ऐसे बनाया कि दूसरे पे सी लगा दिया। अब ये एक दो तीन और चौथा मैंने पहले पे ही लगा दिया, लेकिन ये सेम ही हो गए हैं इसके जैसा। क्यों? क्योंकि देखो पहला जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन एंड तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ ये इसको पहला लेंगे हम कार्बन एंड तीन हाइड्रोजन। जो दूसरा है कार्बन एंड दो हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन एंड वन टू दो हाइड्रोजन, अगेन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन, ये रहे कार्बन एंड थ्री हाइड्रोजन। ये समझ में आया? तो पहले पे और लास्ट पे लगाओगे तो वो तो सेम ही बन जाएगा, पहले पे और लास्ट पे नहीं लगाना है। और अगेन ये बताते बताते मुझे पता चल, मतलब मुझे याद आया कि तुम्हें ये भी चीज बतानी रह गई, यही इसी को हम ऐसे तो लिख सकते हैं C4H10, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, पहले एक पूरा CH3 है तो CH3, फिर CH2, फिर जरूरी नहीं है, फिर तो वो बॉन्ड स्ट्रक्चर यही हो गया। हमारे सर पता कैसे चलेगा कि ये CH3 और CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, डबल ट्रिपल नहीं है? डबल ट्रिपल होंगे तो हमें बताना पड़ेगा, नेमिंग वैसे करनी पड़ेगी। मतलब नहीं ऐसे नहीं, देखो मैं अगर ऐसे कर दूं तुम्हें कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालूं, ये दो, और यहाँ से भी एक निकालूं, अब तुम्हें समझना है, ये थोड़ा स्टैंड और थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा 11th 12th में, लेकिन अब ये देख के, अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये देख के तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। क्योंकि हाइड्रोजन के कार्बन के चार होने चाहिए, तो ये दो है ओके, और ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तीन, तो चौथा कहाँ है? नहीं, स्टैंडर्ड जो हमारे चल रहे हैं उसमें सिर्फ नेमिंग ही लिखा होता है, तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे कि ये बनाओ डायरेक्टली, तो तुम्हें पता करना है कि ये अल्केन है, अल्किन है या अल्काइन है। बुक वालों को तो पता है, उन्होंने तो ऑलरेडी दिमाग लगा दिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग चलता है या नहीं वो पता करना है। तो डबल बॉन्ड बना के ऐसा पूछना हो कि ये इसका नाम बताओ, ऐसे पूछ, नाम पे इसे बनाने का बताएंगे या बता, देखो बहुत टाइप के बहुरूप क्वेश्चन इज ऑफ से मल्टीपल फेस, ओके इज ऑफ मल्टीपल फेस, तुम्हें सिर्फ ऐसे बता देंगे ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखो तो ये लिखना है, ब्यूटेन को बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बनाना है, देन ये क्या है वो आइडेंटिफाई करो, तो फिर तुम्हें पता करना पड़ेगा कि वो है क्या। तो तुम बोलोगे एक दो तीन चार, चार मतलब ब्यूटेन, तो ब्यूटेन गलत, डबल बॉन्ड है यहाँ पर ओके, तो चार मतलब ब्यूटेन ऐसे नहीं बोल देना, ये ब्यूटीन बनेगा ओके। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, फिर हम बोलेंगे कि सिलेबस के बाहर का पूछा, बाहर का नहीं है, सिलेबस के अंदर का ही है ओके। तो बुक में अगर ऑलरेडी दिया हुआ होगा तो उन लोग ने यहाँ पे बॉन्ड दिया होगा, लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे है एक्सरसाइज में विच ऑफ दी फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडर गो दी एडिशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन दूसरा है लेकिन यहाँ पे वो नहीं आएगा, सही है हाँ, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CH2OH के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ? CH3CH2OH। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये है कौन, तो वो तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब पता चलेगा ओके। तो ये अल्कोहल है, जस्ट फॉर द नॉलेज, ये पता चल गया ओके।
तो आइसोमरिज्म तक पता चल गया सबको। पानी पीता? पानी नहीं पीता। आइसोमेरिज्म। सो एक लास्ट क्वेश्चन जो आज डिस्कस कर लेते हैं, दो जो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। एक तो साइक्लोहेक्सेन, वो मैंने तुम्हें फॉर्म बना के दिखा दिया। हाँ ओके, वैसे भी हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो क्या है, एक तो साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाना है हमने अभी डिस्कस कर लिया है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला याद रखना, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। दूसरा बेंजीन। ये दोनों ही हमने डिस्कस कर लिए है। फिर से एक बार बता दूं तो ये ऐसे तुम्हें हेक्सागोन बना देना है। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे दो बॉन्ड तो है ही, और दो चाहिए, तो एक और दो वन टू सब जगह आ जाएगा हाइड्रोजन। तो 6 कार्बन, 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए 12। तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। एंड बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो अगेन तुम्हें बनाना तो ये हेक्सागोन ही है, कार्बन 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 कार्बन। नाउ एक एक ही हाइड्रोजन है, तो मैं सब जगह एक एक हाइड्रोजन पहले लगा देता हूँ। तो H6 हो गए, C6H हो गए। नाउ वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है हाइड्रोजन की, तो हो गई है। कार्बन की 1, 2, 3 ही है, तो ये 4। अब यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बनाया तो ये 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, तो वहां नहीं बना सकते। फिर एक को छोड़ के यहाँ बनानी पड़ेगी, फिर एक को छोड़ के यहाँ। अब सबकी 4 हो गई, देखो 1, 2, 3, 4, इसकी भी 1, 2, 3, 4, इसकी भी 1, 2, 3, 4, सबकी 4 हो जाए। तो ये दो स्ट्रक्चर्स बहुत पूछे जाते हैं, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में तुम अल्कीन का फॉर्मूला मत लगा देना, नहीं तो C6H14 होगा, लेकिन 14 नहीं है, ये है 12। H हाइड्रोजन कितने हैं? 12। अंडरस्टूड? यस सर। श्योर? तो सबकी प्रैक्टिस करके आना। अल्केन अल्कीन अल्काइन, कल हम इससे भी थोड़ा ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। ओके, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, सब।